तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे बीकॉम सेम फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर टू के बारे में। चैप्टर टू, इसका नाम है एकम पड़तर, जो आपके यहाँ पर दिख रहा होगा। चैप्टर टू एकम पड़तर। आज इस लेक्चर में हम एकम पड़तर के बारे में जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बीकॉम सेम फोर कॉस्ट अकाउंटिंग। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। अरे एक मिनट, रुके रुके, शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक बीकॉम सेम फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। तो दोस्तों, आपको ये एक चैप्टर का नाम मैं आपको बता देता हूँ फिर से एक और बार। एकम पड़तर जो आपको दिख रहा होगा, एकम पड़तर ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अगर आप चेक देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, पेज नंबर है 144। आप यहाँ से इसे देख सकते हैं और सम नंबर है 18। तो दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। सिंपल से हमें यहाँ पर कुछ रकम दी हुई है, आस्था लिमिटेड पूरा वर्ष नफा नुकसान खाता यहाँ पर हमें दिया हुआ है और ये सब इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी हुई है। दोस्तों, आप सबसे पहले तो इसे रकम को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। दोस्तों, सम जब भी हम स्टार्ट करते हैं, ये सम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका फॉर्मेट कैसे होता है। इसका फॉर्मेट सिंबल से होता है। इसमें एक विगत, एक कुल रकम और एकम दित पड़तर, ठीक है दोस्तों। विगत रकम और एकम दित पड़तर। दोस्तों, सबसे पहले आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। ये विगत रकम आपको स्टार्ट करने से पहले शुरुआत में स्टॉक ये नहीं लेना है। अभी जब भी हम स्टार्ट करेंगे, कोई भी दाखला हो ये चैप्टर का है, एकम पड़तर का, नफा नुकसान खातों दिया हो और उसमें हमें बोला हो कि एकम पड़तर ढूंढनी है हमें, तो हम यहाँ से प्रत्यक्ष माल सामान है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो मैं शुरुआत करता हूँ। आप पूरा वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये प्रत्यक्ष माल सामान है यहाँ पर 48 लाख का, हम यहाँ प्रत्यक्ष माल सामान दिया हुआ है। और मैंने पहले आपको ये फॉर्मेट बना लेना है, विगत कुल रकम और एकम डेट। तो मैंने यहाँ देखिए प्रत्यक्ष माल सामान कुल 48 लाख लिख दिया। इसके बाद सेकंड हमें दिया हुआ है प्रत्यक्ष मजदूरी 24 लाख। तो प्रत्यक्ष मजदूरी 24 लाख, ठीक है। ये दोनों जैसे ही लिख लेते, इसके बाद हमें यहाँ प्राथमिक पड़तर करके लिखना है। प्राथमिक पड़तर, प्रत्यक्ष माल सामान और प्रत्यक्ष मजदूरी को हम प्राथमिक पड़तर बोलते हैं। दोनों को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे 72 लाख। इसके बाद हमें यहाँ पर दिया हुआ है कारखाना खर्चा 16 लाख। तो ये कारखाना खर्चा, हाँ, यहाँ पर 16 लाख, दोनों को प्लस कर देंगे हम यहाँ से 72 और 16 का। तो ये कारखाना खर्चा, ये हमारी कारखाना पड़तर है, तो ये हमारा दोनों का प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमें 88 लाख मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं कारखाना खर्चा हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पर लेना है वही वटी खर्चा। ये काचो नफो है, ये हमें ध्यान में नहीं लेना है, चोखो नफो को हमें ध्यान में लेना होता है। तो हम सिर्फ अभी काचो नफो को ध्यान में नहीं देंगे, इसको हम यहाँ से चौकड़ी मार देते हैं। और वही वटी खर्चा हमें यहाँ पर दिया हुआ है 8 लाख। तो ये वो ऑफिस खर्चा के वही वटी खर्चा दोनों एक ही है। हमने यहाँ पर 8 लाख लिख दिए। 88 प्लस 8 बराबर इज इक्वल टू उत्पादन पड़ता 96 लाख, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमें ये तैयार, अब हमें इसको लेना है, ठीक है दोस्तों। वही वटी खर्चा हमें पच जाए, इसके बाद
हमें शुरुआत का स्टॉक लेना है, तो शुरुआत का स्टॉक हमें यहाँ पर कितने, शुरुआत का स्टॉक हमें यहाँ पर लिया हुआ है 7,20,000। तो तैयार मान लो शुरुआत में स्टॉक 7,20,000, इसको प्लस करना है, और आखिर में स्टॉक ये 13,20,000, इसको हमें माइनस करना है। ऑफिस वही वेटी खर्चा, इसको हमने 8,00,000 प्लस किया, इसमें से हम तैयार मान लो स्टॉक माइनस करेंगे 96,00,000 में से 7,20,000 हम माइनस करेंगे, 7,20,000 हम माइनस करेंगे, तो 1,03,000 तैयार मान लो, तैयार मान लो आखिर स्टॉक ये 13,20,000, इसको हम यहाँ माइनस करेंगे तो 90,00,000 हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर दूसरा एक और दिया हुआ है वेचान खर्चा 9,00,000, तो वेचान खर्च हमें यहाँ पर दिया हुआ है 9,00,000, ये 9,00,000 हमने लिख लिया, 90+9 तो हमारा 99,00,000 हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमें लास्ट पॉइंट है हमारा चोखो नफो कितना दिया हुआ है 33,00,000, तो नफो लिख लिया हमने यहाँ पर और 33,00,000 लिख लिया, दोनों को हमने प्लस किया तो ये हमारा आंसर आ गया 1,32,00,000। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा दाखला है, बहुत ही सिंपल दाखला है, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा, बहुत सिंपल दाखला है दोस्तों। इसके बाद हमें एक छोटा सा एकमदित पड़तर भी हमें यहाँ पर ढूंढनी होती है, एकमदित पड़तर भी हमें ढूंढनी होती है। इसके लिए हमें सबसे पहले वेचाण ढूंढना होता है, वेचाण का ये सिंपल से एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना होगा, वेचाण उसमें से इज इक्वल टू शुरुआत नो स्टॉक प्लस उत्पादन माइनस आखिर नो स्टॉक। तो देखते हैं वेचाण हमारे यहाँ पर कितना हुआ है, वेचाण हमारा हुआ है 37,500, ये एकम लेना है हमें 37,500 प्लस तैयार मान लो शुरुआत नो स्टॉक ये हमें प्लस करेंगे और आखिर नो स्टॉक माइनस करेंगे, तो ये वेचाण उत्पादन हमें यहाँ पर दिया नहीं है, उत्पादन हमें यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो इसको हमें ढूंढना है। तो वेचाण हमें यहाँ पर दिया हुआ है 37,500 प्लस शुरुआत में स्टॉक 3,000 और आखिर का स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ है 5,500। हमें एकम को ध्यान में रखना है, ठीक है, ये जो एकम है ना उसको हमें ध्यान में रखना है, ये वाली रकम को हमें ध्यान में नहीं लेना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये 37,500 इसको मैं उत्पादन, ये उत्पादन जो है उसको मैं इधर ले लेता हूँ और 37,500 को मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए 37,500 प्लस 55,500, ये 37,500 ये प्लस में है, ठीक है, 37,500 प्लस 55,500 माइनस 3,000, तो ये टोटल हमारा आंसर आएगा उत्पादन 40,000, यहाँ पर हमारा उत्पादन आ जाएगा। तो ठीक है, अब 48,00,000 जो हमारी प्रत्यक्ष माल सामान हमारा जो 48,00,000 था उसको हमें भागाकार करना है 40,000 से, ये वाले 40,000 से हम यहाँ पर भागाकार करेंगे तो ये 120 आ जाएगा, 120, ठीक है, ये 120 आ गया। 48,00,000 को 1,20,000 से हम भागाकार करेंगे, डिवाइडेड करेंगे तो एकम लिट पड़ता हमें मिल जाएगी। इसी तरह ही हम 24,00,000 को 40,000 से डिवाइडेड करेंगे तो हमें यहाँ 60,000 मिल जाएगा, ठीक है। 72,00,000 को हम 40,000 से डिवाइडेड करेंगे तो हमें 180 मिल जाएगा, 16,00,000 को हम डिवाइडेड करेंगे तो 40 ऐसे मिल जाएगा, ऐसे सब हमें यहाँ पर टोटल, इसी तरह सब का हमें टोटल करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था BCOM SEM 4 कोस्ट अकाउंटिंग के, आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पहले मैं और भी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको इम्पोर्टेंट, आपकी इम्पोर्टेंट के लिए बहुत ही वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ, आप मेरी चैनल पर जाकर मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर BCOM SEM 4 कॉस्ट अकाउंटिंग, BCOM SEM 4 स्टेटिस्टिक्स, BCOM SEM 4 टैक्सेशन, इसे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।